अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नफ्सियात की ऑनलाइन क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का इस्तकबाल है। नफ्सियात में जितने भी लास्ट सेशन हुए उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट किया। फर्स्ट चैप्टर में हमने तहीस, तवज्जे और इदरा के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आमोजिश का अमल, गुजराती में हम इसे कहेंगे शीखवानी क्रिया। आमोजिश यानी क्या? तो आमोजिश के जो लफ्ज़ी मायने होते हैं उसका मतलब होता है सीखना। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं, कुछ नया इल्म हासिल करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? आमोजिश। क्लियर? जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, कुछ भी चीज़ अगर हमें लाइफ में कुछ बनना है, जो भी हमारे गोल हो उसको हासिल करने के लिए हमें सीखना तो ज़रूरी है। इसीलिए कोई भी चीज़ जो हम सीखते हैं ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, स्कूल में जाकर, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? हमारी आमोजिश कहलाती है, क्योंकि हम उसको सीखते हैं और हमारे अंदर कुछ नई तब्दीली आती है, हमें कुछ नया इल्म हासिल होता है, उसे हम कहेंगे आमोजिश। गुजराती में कहेंगे शीखवो। कुछ भी हम सीखते हैं उसे, इसीलिए गुजराती में इसको कहेंगे शीखवानी क्रिया। नफ्सियात किरदार का साइंस है। किरदार के मुताले के दौरान ये मालूम हुआ कि ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जीरो को उनके आसपास के माहौल के हमरा कारगुजारी अंजाम देने के लिए आमोजिश नागुरेज है। अभी हमने समझा आमोजिश का मतलब क्या है? सीखना। तो कहा गया कि ज़मीन पर रहने वाले जितने भी जीरो हैं उनको अपने आसपास एडजस्टमेंट करना हो, समाज में रहना हो, दुनिया में रहना हो, तो उन्हें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक ज़ीरो को अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और गुजारा करने के लिए किसी न किसी किस्म की आमोजिश तो हासिल करनी ही होती है। आमोजिश की वजह से रूनमा होने वाली तब्दीली और सूरत हाल में होने वाले बदलाव से हासिल होने वाला हयाती तहफ़्फ़ुज़ और तहरीकी तस्कीन की वजह से हैवान या इंसान की ज़िंदगी मुमकिन बनती है। इन शॉर्ट, अगर हमें दुनिया में, समाज में रहना है तो हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम समाज में रहते हैं, हमारे आसपास गुजराती माहौल ज़्यादा है, वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले ज़्यादा है, तो अगर हमें वहाँ पर सही तरीके से एडजस्टमेंट करना हो तो हमें गुजराती लैंग्वेज भी सीखना ही होगा। तो ये क्या हुआ? हमारी गुजराती लैंग्वेज जो हम नहीं सीखते वो हमारी आमोजिश कहलाएगी। ओके, हर एक ज़ीरो अपने हयाती चक्र के दौरान बेशतर तौर पर दो किस्म का किरदार करता है। हर इंसान अपने हयाती चक्र के दौरान दो किस्म का किरदार करता है। पहला है फितरी और दूसरा है तालीम याफ्ता किरदार, या तालीम के ज़रिए हम जो किरदार करते हैं वो। फितरी किरदार के लिए हैवान को किसी भी किस्म की रश्मि आमोजिश हासिल करने की ज़रूरत नहीं होती। हर एक ज़ीरो पैदाइश से अपनी तौलीदी अनासिर में चंद कुव्वतें लेकर पैदा होता है, जिसके सबब चंद महदूद रद्द अमल फ्राहम करना वो सीख जाता है। इस किस्म का किरदार पैदाइशी या फितरी किरदार होता है। फितरी किरदार हम किसे कहेंगे? जिसमें हम रस्मी तौर पर कोई आमोजिश कुछ सीखते नहीं है। फितरी तौर पर जब इंसान पैदा होता है उसके अंदर वो खासियत होती है। जैसे आपको यहाँ पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, ये हमारा फितरी किरदार ही हमें जाहिर करता है। कोई छोटा बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो फौरन रोता है। ये क्या है? उसने आमोजिश तो किया नहीं कि किस तरह से हम रोते हैं, नहीं, ये उसका फितरी किरदार है। इस तरह से जब छोटा बच्चा पैदाइश के बाद फौरन रोता है, ये उसका फितरी किरदार है। सेम इसी तरह से चींटी का अपने लिए खुराक के ज़र्रात खींच कर ले जाना, ये उनका फितरी किरदार है। किस तरह से खुराक को इकट्ठा करना है ये वो कहीं से सीखती नहीं है, चींटी का ये फितरी किरदार है। इस तरह से जिस किरदार में हमें आमोजिश की ज़रूरत नहीं होती वो हमारा फितरी किरदार होता है। तालीम याफ्ता किरदार, जिसमें हम बाकायदा तौर पर तालीम हासिल करके उसको अपने अंदर
दाखिल करते, अपने अंदर कुछ तब्दीली करते, उसे हम तालीम याफ्ता किरदार कहेंगे। अमूमन हर एक ज़ीरो अपनी बुनियादी तहरीकात की तस्कीन के तरीके, बुनियादी तहरीकात यानी कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको हासिल करने के लिए बज़ात खुद ही सीख लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फितरी किरदार कहते हैं। तालीम याफ्ता किरदार यानी ऐसा किरदार के जो दिगर लोगों को किरदार करते हुए देखकर सीखा जाता है, या तो ये किरदार दिगर के ज़रिए सिखाया जाता है। यहाँ फ़र्द अपने मर्ज़ी के मुताबिक आमोजिश हासिल करता है। जो जो हैवान या बच्ची की नशोनुमा होती जाती है तो वो माहौल में से तजुर्बात अक्ज़ करके, अक्ज़ यानी हासिल करना, अक्स करके अपने किरदार में तब्दीली लाकर मुनफरिद तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करता है। इंसान हो या हैवान, हर एक अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे तब्दीली लाता ही है। इसीलिए आमोजिश पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहने वाला अमल है। आमोजिश एक ऐसा अमल है पैदाइश से लेकर मौत तक। इंसान पैदाइश से के बाद कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है। ये अमल, ये प्रोसेस कब तक चलता है, हमारी मौत तक ये अमल चलता ही रहता है। ओके, समझ में आया। फितरी किरदार यानी जो कुदरती तौर पर हमारे अंदर होता है, जिसे हमको सीखने की ज़रूरत नहीं होती, और आमोजिश यानी के जिसको हम सीखते हैं किसी को देखकर या किसी के ज़रिए। जैसे आप स्कूल में आते हो और आप स्कूल में नई नई तालीम हासिल करते हो, ये कौन सा किरदार हुआ, तालीम याफ्ता किरदार। ओके, आमोजिश की तारीफ। अमेरिकन नफ्सियात द सिटी मार्गन ने आमोजिश की तारीफ पेश की है, जिनके मुताबिक आमोजिश यानी के तजुर्बा और सही या मश्क के ज़रिए किरदार में होने वाली निस्बती दायमी तब्दीली। निस्बती दायमी तब्दीली के मायने पहले हम समझ लेते। निस्बती यानी कि हमारे किरदार में जो तब्दीली होती है हम उसे देख सकते, परख सकते, समझ सकते। और दायमी तब्दीली यानी कि एक बार हमने हमारे किरदार में कुछ तब्दीली आई, कुछ नया हमने सीखा, तो वो कायम के लिए हमारे अंदर दाखिल हो जाता है, उसे हम दायमी तब्दीली कहेंगे। दायमी मतलब जो कायम के लिए, ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ को हम सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दो तस्वीर नज़र आ रही है। फर्स्ट तस्वीर में जब हम, मान लो कोई फ़र्द जब नया ड्राइविंग करना सीखता है, तब हम उसको देख सकते हैं कि उसे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं है। गाड़ी किस तरह से चलाना है, कहाँ पर ब्रेक लगाने, स्टीयरिंग को किस तरह से संभालना है, उसको कोई चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो गाड़ी सीखने का अमल आमोजिश हासिल करता है, तो हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों बाद जब वो गाड़ी चलाना सीख जाता है तो वो इजीली गाड़ी भी चलाता है। और ये चीज़ जब इंसान फर्स्ट टाइम ये सीख लेता है तो वो ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूलता है, तो क्या कहलाता है, ये हमारी निस्बती और दायमी तब्दीली। क्या हो, हाँ मेरी रिकॉर्डिंग हो जाएगी सुबह। आमोजिश में ये तीन बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तजुर्बा या कोशिश का नतीजा, किरदार में होने वाली तब्दीली और निस्बती दायमी तब्दीली। आइए इसे हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट है तजुर्बा या कोशिश का नतीजा। इससे बेशतर हम देख चुके हैं कि इंसानी किरदार में तब्दीली होती है, वो अगर तजुर्बे, तरबियत या मश्क की वजह से ना हो तो उसे हासिल की हुई तालीम या आमोजिश नहीं कह सकते। अगर किरदार में होने वाली तब्दीली थकान, मर्ज या एज़ा या चोट की वजह से पाई जाती हो तो उसे हम आमोजिश नहीं कहेंगे। मसलन
3-4 माह का बच्चा होने पर बिस्तर में उलटना, गिरना या बिस्तर में पैर डालकर जकड़कर खिसकना सीखता है, तो उसे रोज़मर्रा की ज़बान में बच्चा गिरना सीख गया है या बच्चा बिस्तर में खिसकना सीख गया, यूँ हम कह सकते हैं। लेकिन हम इसे आमोजिश नहीं कह सकते, बिकॉज़ यह बच्चे का फितरी किरदार है। इसके पहले हमने पढ़ा कि आमोजिश हम किसे कहेंगे जब हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ को सीखते। इस तरह से ज़्यादा चलने से या दौड़ने से पैर डगमगाने लगे तो हम डगमगाना सीख गए, यूँ नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि पैर के उज़लात की कुव्वत थोड़े वक्त के लिए घट जाने से पैर आड़े टेढ़े होते हैं। इस तरह पैर की हड्डी टूट जाने से लंगड़ाने का अमल हो या नशावर मादे की वजह से किरदार में तब्दीली पाई जाती हो तो उसे हम आमोजिश हरगिज़ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है किरदार में होने वाली तब्दीली। किसी भी मामले में तालीम या आमोजिश तभी कहलाती है जब पहले जो किरदार था उसमें तब्दीली पाई जाती हो। एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चा पहली मर्तबा साइकिल चलाना ना जानता हो, यानी कि वो जैसे ही साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाने की कोशिश करता है, तब क्या होता है? बच्चा गिर जाता है, बिकॉज़ उसे कोई चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। यूँ बार बार कोशिश करते करते उसे रफ्तार रफ्तार साइकिल पर बैलेंस रखना और पैडल मारने के साथ आगे बढ़ना आ जाता है। यूँ बार बार मश्क करने से वो साइकिल चलाना सीख जाता है। इस तरह बच्चे के किरदार में तब्दीली हुई और ये तब्दीली होने की वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चे ने आमोजिश हासिल की। ओके, तो आमोजिश की वजह से हमारे किरदार में तब्दीली होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है निस्बती दायमी तब्दीली। निस्बती दायमी का मतलब हम पहले पढ़ चुके, जिसको हम देख सकते हैं और जो तब्दीली हमारी लाइफ टाइम हमारे पास वो सेफ हो जाती है। आमतौर पर हमारी हासिल करदा बेशतर तालीम या आमोजिश मुस्तकिल या काफ़ी तवील अरसे तक बरकरार रहने वाली होती है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे को साइकिल चलाने में तकलीफ़ होती है, उसे कोई चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन रफ्तार रफ्तार जिस तरह से वो साइकिल चलाना सीख जाता है, साइकिल पर बैलेंस रखना, पैडल मारना ही सीख जाता है, तो ये लाइफ टाइम उसको याद रहता है। फर्स्ट टाइम अगर आमोजिश हासिल करने के बाद उसे साइकिल चलाना आ गई, तो अगर वो कुछ 5 महीने या 1 साल तक के साइकिल अगर ना भी चलाए और उसके बाद जब वो साइकिल चलाना स्टार्ट करे तो उसे साइकिल चलाना आएगी, बिकॉज़ उसने उसकी आमोजिश पहले वो कर चुका है। उसे लाइफ टाइम ये चीज़ आएगी। स्टार्टिंग में भले थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो इजीली साइकिल को चला सकता है, बिकॉज़ इसने इसकी आमोजिश पहले की थी। सेम वे कार या ड्राइविंग करने के टाइम पर स्टार्टिंग में हमें उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जब हम आमोजिश के ज़रिए उसको हमारे अंदर दाखिल कर लेते हैं, हमारे किरदार में तब्दीली आ जाती है, तो वो तब्दीली हमारी निस्बती दायमी तब्दीली कहलाती है। किसी ने कार ड्राइविंग सीखी हो और कुछ वक्फे के बाद 5 साल बाद 6 साल बाद अगर वो ड्राइविंग करना शुरू करता है तो उसे थोड़ा वक्त लगेगा। जितने भी कार के नए मॉडल को उसके फंक्शंस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वो इजीली कार को ड्राइविंग कर सकता है, चला सकता है, बिकॉज उसने ये आमोजिश ऑलरेडी कर चुका है। ओके, हम किस तरह सीखते? आमोजिश के मुतालिक इब्तदाई तस्वुरात हासिल करने के बाद अहम सवाल ये पैदा होता है कि इंसान या हैवान किसी भी बात की आमोजिश किस तरह हासिल करता है। इस सवाल ने कई आलम नफ्सियात दानों को तहकीक के लिए तहरीक फराहम की। इसके मुतालिक हुई चंद तहकीकात और तजुर्बात इंसान और हैवान की आमोजिश हासिल करने की तरूज़ के मुतालिक मालूमत फ्राहम करते हैं, जिसमें हम किस तरह से सीखते हैं उसको हम समझते हैं। फर्स्ट, हम सही या ख़ता के ज़रिए आमोजिश करते हैं। सही या ख़ता यानी कि हमसे गलती होती है, कोशिशों में गलती होती है, फिर हम इसे दोबारा कोशिश करते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड है मशरूतियत के ज़रिए आमोजिश।
थर्ड है आमली मशरूतियत के मुताबिक आमोजिश। दाखली बसीरत के ज़रिए आमोजिश और तकलीद के ज़रिए आमोजिश। ये टोटल पांच चीज़ें ऐसी है जिसके ज़रिए हम कोई भी नई चीज़ को सीखते हैं, आमोजिश को हासिल करते। फर्स्ट है तकलीद के ज़रिए आमोजिश। तकलीद को गुजराती में कहेंगे अनुकरण। इंसान तिफ्ल हो या हैवान, तिफ्ल का मतलब होता है छोटा बच्चा, इंसान तिफ्ल हो या हैवान बेशतर आमोजिश तकलीद के ज़रिए ही हासिल करता है। तकलीद यानी किसी को देखकर सीखना, अनुकरण करना। तकलीद के ज़रिए हासिल करदा आमोजिश मुशाहदाती आमोजिश या समाजी आमोजिश भी कहलाती, क्योंकि आमोजिश के लिए ज़रूरी तकलीद का अहम इन्हिसार मुशाहदा है। मुशाहदा यानी बच्चा सामने फैमिली मेम्बर्स हो, उनको देखकर वो कुछ सीखता है। फ़र्द अपने आसपास समाज पास के समाजी माहौल में से मुशाहदा करके तकलीद करता हुआ पाया जाता है। मसलन आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, छोटा बच्चा हो घर में, वो अपने माँ बाप को, फैमिली मेम्बर को जब नमाज़ पढ़ता हुआ देखता है तो उनको वो देखकर सीखता है और उनकी तकलीद करता है, वो भी सेम वे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करता है। तो ये क्या कहलाएगी? तकलीद के ज़रिए आमोजिश। बच्चे ने अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखकर कुछ नया सीखा। फैशन, मॉडलिंग, इमिटेशन हम बोल सकते हैं इसको। जैसे यहाँ पर डॉक्टर, अगर कोई छोटा बच्चा डॉक्टर को देखता है तो सेम डॉक्टर जैसे कोशिश करता है उस तरह से करने की। एक से 1.25 साल का बच्चा कान पर मोबाइल रखता हुआ पाया जाता है, ये तकलीदी आमोजिश की ही मिसाल है। बहुत सारी ऐसे मिसालें हमारे आसपास हमें नज़र आएगी। छोटी छोटी बच्चियाँ टेलीफोन पर कई अदाकारों ने इस मशहूर अफरादों के मखसूस किस्म के साजो सामान और फैशनेबल लिबास का इस्तेमाल देखकर इस किस्म के साजो सामान और कपड़ों का इस्तेमाल करे तो उसे मिसाली या मॉडलिंग आमोजिश भी हम कह सकते हैं। इन शॉर्ट तकलीद यानी कि किसी को देखकर हम कुछ नया सीखते हैं। इसी तरह से आमोजिश के अमल पर कई सारे तजुर्बात हुए हैं, जिसमें थॉर्नडाइक का तजुर्बा, जिसने एक बिल्ली के ज़रिए हम आमोजिश किस तरह से करते हैं वो बताने की कोशिश की है, पावलो का तजुर्बा जिसने एक कुत्ते के ऊपर तजुर्बा किया है, स्किनर का तजुर्बा जिसने एक बिल्ली के ऊपर किया, चूहे के ऊपर एक तजुर्बा किया है, कॉलर पर का तजुर्बा जिसने चिंपांजी के ऊपर तजुर्बे किए। इस तरह से अलग अलग तजुर्बात के ज़रिए हम किस तरह से आमोजिश हासिल करते हैं, जितने भी नफ्सियातदान हैं उन्होंने आमोजिश का अमल हम किस तरह से करते हैं वो बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट सेशन में हम वन बाय वन तजुर्बात में किस तरह से, फॉर एग्ज़ाम्पल थॉर्नडाइक का जो तजुर्बा है, सही और ख़ता के ज़रिए आमोजिश किस तरह से वो एक बिल्ली के ज़रिए, बिल्ली के ऊपर तजुर्बा करके बिल्ली किस तरह से कुछ नया इल्म हासिल करती है वो बताया है, इस तरह से हम नेक्स्ट सेशन में इसको समझेंगे। आज के सेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको आपको लिखना है। लास्ट में हमने जो समझा तकलीद के ज़रिए आमोजिश, इसके एग्ज़ाम्पल आपको खुद को नए एग्ज़ाम्पल बनाने हैं और इसमें आपको नोट डाउन करना है। थैंक यू।